पूर्व मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने आज स्वारघाट में पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि पूरे विश्व में सभी लोग कोरोना महामारी की जंग से लड़ रहे हैं, लेकिन जिला बिलासपुर का पूरा प्रशासन राजनीतिक भेंट चढ़कर लोगों पर जाली पुलिस मामले दर्ज कर रहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जिला बिलासपुर के जिलाधीश और पुलिस के कप्तान भी लोगों की समस्याओं की सुनाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का नेता पुलिस कप्तान मुख्यालय में पूरा दिन भर बैठकर पुलिस महकमे में पुलिस के मुलाजमों के तबादले करवा रहे हैं। वे श्री नैना देवी हलके के एक पुलिस जवान की आठ बार तबादला राजनीतिक तौर पर किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता पूर्व में रखी विकास कार्यों की शिलान्यास पट्टिकाओं को तुड़वाने का काम कर रहे हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि उनको शय प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की शय पर श्री नैना देवी जी विधानसभा में एक ऊपर के इलाके में दूसरा निचले इलाके में पुलिस के दो जवान जो उच्च पोस्ट पर हैं शराब के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो कच्ची शराब के लिए मजारी का नाम प्रमुख था अब नज़दीक की छह पंचायतों के लोग इस शराब के धंधे को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें पुलिस की भी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि जंगलों को काटा जा रहा है और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं कसी तो जल्द ही जिला मुख्यालय के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। नेशनल 18 के लिए स्वारघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट। एक और काम कर रखा है कि जो हमारा बॉर्डरिंग एरिया है जी, इसमें जो जंगल काटने वाले लोग हैं उनका काम ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि जो ऊपर का क्षेत्र है जहाँ पे देवदार पैदा होता है, इन दिनों में बिलासपुर जिला में आपको जितनी मर्जी देवदार आपने लेनी है तो वहाँ से जो धंधा करने वाले लोग हैं ये और तो और रोपड़ तक जो है ये देवदार जंगलों से काट के पहुंच रही है। तीसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक क्योंकि शराब के ठेके बंद हो गए, सरकारी तौर पर बंद हुए, जो शराब के ठेकेदार हैं वो मार्च महीने तक का कोटा रखते हैं ज़्यादा कि अप्रैल में नए ठेकेदार आएंगे तो मार्च महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शराब हो जी उसको बेचा जाए। तो हुआ ये कि जो कोरोना लगा तो ठेकेदारों का जो शराब उन्होंने इकट्ठा कर रखा था वो तीन गुना कीमत के ऊपर लोगों ने वो भी खरीदा। और साथ में एक नया काम ये हुआ कि मैं तो उदाहरण अपने क्षेत्र का देना चाहूँगा, नहीं तो हमारे पहले मजियारी गांव का नाम देते थे जी, अब चंगर एरिया की हमारी छः पंचायतें हैं वो मजियारी से भी ज़्यादा शराब बना रही। यहाँ पे दो पुलिस हेड कॉन्स्टेबल अपॉइंट हुए जी, एक निचले एरिए में और एक ऊपर के एरिए में। दोनों पुलिस हेड कॉन्स्टेबल जो है वो किसका नाम ले रहे हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन महीना बंधा है जी और घर घर में भट्टियाँ लगनी शुरू होगी, चाहे वो हमारी ऊपर का एरिया दामी घाटी हो या हमारा नीचे का एरिया चंगर के साथ लगता एरिया हो जी, उसमें पुलिस को महीना जाता है। ये लॉकडाउन है, ये धारा 144 लगी है जी, धारा 144 भी तोड़ने के लिए होती है जी, जब अन्याय जुल्म ज्यादा बढ़ता है तो इस प्रकार के जो कानून है उनका विरोध किया जाता है और कांग्रेस पार्टी उसको करेगी। और आने वाले समय में अगर इसके ऊपर लगाम नहीं लगी, मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, तो बिलासपुर में डीसी ऑफिस का एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे।